सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग मैं कुछ इस टाइप को फोटो रीडिंग सिखाने वाला हूँ पिक्सार्ट ऐप की मदद से बहुत ही आसान तरीके में। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो यह वाली फोटो को मैं पिक्सार्ट ऐप की मदद से एड किया हूँ, जिसका बिफोर वाली पिक भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यह इसका बिफोर वाली पिक जो यहाँ पर पहले कैसे था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोटो एडिटिंग करने के बाद कितना मस्त यहाँ पर लग रहा है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो इस टाइप को फोटो रीडिंग तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहेगा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। सो चलिए अभी ज्यादा बात के बिना आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जो फोटो है उसे आप लोग पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर अभी एग्जांपल के लिए ये वाली फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लिया है, और ओपन कर लेने के बाद उस यहाँ पर लोग मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग एडपेस्ट क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद उस यहाँ पर लोग मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पर लोग फर्स्ट में मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाला फिल्टर आप लोग फर्स्ट में ही दिखने को मिलेगा। तो इस फिल्टर को आप लोग सिलेक्ट करें, और इस फिल्टर को आप लोग जैसे सिलेक्ट करोगे आप लोग फोटो कुछ इस टाइप से एक ही क्लिप में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो इतना आप लोग कर लेना है, और इतना करने के बाद दोस्तों ये वाला फिल्टर को आप लोग अपना स्क्रीन के ऊपर से भी इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए इधर पर लोग ऊपर मिल जाएगा इरेजर क्वेश्चन, तो इस इरेजर क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद उस ऐसे बोलो इरेज पर ऐसे क्लिक करने। तो यहाँ पर इसका हार्डनेस को बढ़ा के इधर बोलो 96 या 5 के आसपास रखने, और यहाँ पर ऑपोसिटी को आप लोग फुल रखने, और साइज आप लोग अपने हिसाब बराबर यहाँ पर रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर बोलो फोटो कुछ इस टाइप से जूम करके अपना स्क्रीन के ऊपर से आप लोग कुछ इस टाइप से इरेज करने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रहे बस स्क्रीन के ऊपर से आप लोग इरेज करने, बाकी और कोई जगह से आप लोग इरेज नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से भी इरेज कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो अभी हमारे मॉडल का स्क्रीन के ऊपर से अभी फिल्टर इरेज यहाँ पर हो चुका है। तो इतना आप लोग कर लेने, देन दोस्तों यहाँ से आप लोग डन कर लें, और डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से लोग फिर से डन कर लें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग क्या करें, अभी आप लोग चले जाने इधर से रिटच क्वेश्चन में। तो दोस्तों यार रिटच क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग अभी क्लिक करें, और रिटच क्वेश्चन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी लोग मिल जाएगा स्क्रीन टोन क्वेश्चन। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर लेने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पर लोग मल्टीपल कलर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला सर्कल को आप लोग कुछ इस टाइप से ऊपर की तरह लाना है, मतलब ऊपर की तरह ला के आप लोग व्हाइट कलर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऐसे लोग डन कर लें। डन यहाँ पर आप लोग जैसे करोगे इधर लोग फर्स्ट में एक टोन क्रिएट होकर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले टोन यहाँ पर नहीं था। तो इसे आप लोग क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ऑटो का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो इस ऑटो का ऑप्शन पर अभी आप लोग क्लिक करें, देन यहाँ पर आप लोग ऑटो का ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों का स्क्रीन जो है यहाँ पर एक ही क्लिक में गोरा हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके में। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके में हमारे मॉडल का स्क्रीन यहाँ पर गोरा हो चुका है। तो इतना भी गोरा हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग अमाउंट को इधर पे कम ज्यादा करके देख सकते हो, मतलब जितना गोरा यहाँ पर रखना चाहते हो आप लोग अपना मॉडल का स्क्रीन को, तो उतना आप लोग रख सकते हो। तो हम यहाँ पर अभी 87 का आसपास रख लेते हैं, देन दोस्तों इधर से लोग डन कर लें। डन करने के बाद दोस्तों यह सब लोग फिर से डन कर लें, और इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से वो लोग क्या करें, अब इधर सब लोग फिर से इफेक्ट क्वेश्चन पर ऐसे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से लोग कलर्स क्वेश्चन पर ऐसे क्लिक करें। तो दोस्तों यार कलर्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग कलराइज वाला फिल्टर यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करें, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर अभी आप लोग फिर से क्लिक करें। देन यहाँ पर इसका ह्यू का अमाउंट को इधर पर लोगों को 213 के आसपास रखना है, और यहाँ पर आप लोग फेड को 0 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोग फिर से इरेजर क्वेश्चन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे लोग फिर से इरेज पर ऐसे क्लिक करें। देन यहाँ पर आप लोग ऑयल सेटिंग रख लेना है, तो यहाँ पर हमें भी रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग फोटो को कुछ इस टाइप से फिर से जूम करके आप लोग अपना स्क्रीन के ऊपर से फिर से इस टाइप से इरेज करने, तो यहाँ पर हम अभी जल्दी से कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फिर से अभी इरेज हो चुका है। तो इतना आप लोग कर लेने, देन यहाँ से आप लोग डन कर लें। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग क्या करें, इस फिल्टर को आप लोग मार्च करने। तो दोस्तों यार ऊपर मार्च का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग ये वाला फिल्टर को मार्च कर लेने, और मार्च करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग इफेक्ट का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करें। तो दोस्तों यार इधर पे इफेक्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ इस टाइप से स्लाइड करके बिल्कुल लास्ट में चला जाना, ठीक है। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पर लोग बिग्नेट वाला फिल्टर यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो इस फिल्टर को आप लोग अभी सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोग SQRT का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका साइज को बढ़ा के इधर पर लोगों को 65 के आसपास रखना है, और यहाँ पर इसका फेड को बढ़ा के आप लोगों को 85 के आसपास रखना है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से भी आप लोग डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो यहाँ पर भी काफ़ी मस्त लग रहा है पहले से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो।
काफ़ी मस्त है पर लग रहे हैं। तो इतना आप लोग कर लें और इतना काम करने के बाद आप भी लोग चले जाने इधर से एड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन में। तो दोस्तों यार इधर पे एड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है अभी। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से अभी आप लोगों को इस रेड डॉट पीएनजी का भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सब लोग ऐड करें, और ऐड करने के बाद दोस्तों ये वाला पीएनजी का ब्लेंड मोड का चेंज करके कर लें स्क्रीन। तो दोस्तों यार ब्लेंड मोड का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे आप लोग सिंपली स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों ये वाला पीएनजी का आप लोग कुछ इस टाइप से ऊपर की साइड में यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है अच्छे से। तो इधर पे हमारा सही है, और उसके बाद इसका ऑपेसिटी का आप लोग हल्का से यहाँ पर कम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपेसिटी का आप लोगों को 75 का स्पेस रखना है। यानी यहाँ पर अभी आप लोग क्या करें, इधर पर आप लोग प्लस का आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग अभी क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पर भी आप लोग एड प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से अभी आप लोगों को इस एलोन पीएनजी का भी सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे भी आप लोग ऐड करें, और वीडियो के अंदर जो कुछ भी पीएनजी वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ सारा का सारा लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप लोग जगह वैसे पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हो। और इसे ऐड करने के बाद दोस्तों इसका भी ब्लेंड मोड का आप लोग चेंज करके कर लेना स्क्रीन। तो यहाँ पर हमें भी स्क्रीन कर लेते हैं। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इसका कॉन्ट्रास्ट आप लोग बढ़ा लेना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए इधर भी लोग एडिशनल का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लेना। तेन यहाँ पर आप लोग कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के इधर पर लोग 100 तक रखना है। तेन यहाँ से भी आप लोग डाइन कर लें। डाइन करने के बाद दोस्तों ये वाला पीएनजी का आप लोग कुछ इस टाइप से ऊपर की साइड में यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही है, और यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर यह सही है, ठीक है। तेन यहाँ से भी आप लोग डाइन कर लें। डाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग लास्ट एक बार फिर से एड प्रोडक्शन में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोगों को इस ब्रॉड स्पेंज का भी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे भी आप लोग ऐड करें, और ऐड करने के बाद दोस्तों ये वाला पीएनजी का ब्लेंड मोड का आप लोग चेंज करके फिर से स्क्रीन कर लेना है। तो यहाँ पर हम जल्दी से कर लेते हैं। और इतना काम करने के बाद दोस्तों इसको आप लोग कुछ इस टाइप से जूम करके, मतलब ये वाला पीएनजी का आप लोग कुछ इस टाइप से जूम करके इधर पर एडजस्टमेंट कर लें। आप लोग अपना हिसाब बढ़ एडजस्टमेंट कर लें, तो इधर पर हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और इतना काम करने के बाद ऐसे भी आप लोग इरेजर का ऑप्शन पर क्लिक करें। देने ऐसे भी लोग इरेज पर ऐसे क्लिक करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लोग फोटो को कुछ इस टाइप से जूम करके बॉडी के ऊपर जो पीएनजी का पार्ट यहाँ पर आ रहा है, तो उसे आप लोग कुछ इस टाइप से इरेज यहाँ पर कर लें, ठीक है। और इतना कम कर लेने के बाद दोस्तों ऐसे भी लोग डन कर लें। डन करने के बाद दोस्तों ऐसे लोग फिर से डन कर लें। एंड डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो एडिटिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके में मैं इसे एडिट किया हूँ, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से कर लेना। और इतना काम कर लेने के बाद ऐसे भी लोग फोटो को सेव करने के लिए इधर से भी लोग चले जाना ड्रॉ टूल का ऑप्शन में। तो दोस्तों यार ड्रॉ टूल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे भी आप लोगों को इस ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग मिल जाएगा सेव इमेज का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। देन यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करके आप लोग फोटो जो है फुल HD में आप लोग गैलरी में सब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आएगा। पसंद अगर आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आप लोग कैसे लगा ये आप लोग कॉमेंट में बता दीजिएगा। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, मिलते अगले किसी वीडियो में।